नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आसन न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा ओपनिंग पोल 2023 के चुनाव के मद्देनजर देखते हुए, क्या कांग्रेस पार्टी फिर से वापसी करेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता पर वापसी करेगी। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में यदि अभी विधानसभा चुनाव होते हैं तो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। सर्वे का मकसद आम जनता का मूड भापना है। बता दें कि एसएन न्यूज ने पूरे प्रदेश में किए गए ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्वे में जानने के लिए किया था कि यदि प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव हो और पार्टी पिछले चुनाव 2018 के प्रत्याशी को ही मैदान में उतारे तो नतीजा क्या होंगे। हालांकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी करीब कुछ ही महीने का वक्त बचा है, इस लिहाज से एसएन न्यूज के सर्वे का मकसद सिर्फ और सिर्फ आम जनता का मूड भापना है, न कि कोई एग्जिट पोल या राजनीतिक भविष्यवाणी करना है। चुनावी सर्वे में सामने आए नतीजों में बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की 90 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जनता कांग्रेस पार्टी यानी कि जेसीसी और अन्य दलों को कितनी सीट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के शुरुआती रुझान कैसे क्या आएंगे, किस जिले में किसे कितनी सीट मिलेगी, तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला जिला यानी कि छत्तीसगढ़ का पहला जिला कोकेर की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से सभी 3 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 1 सीट और आम आदमी पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीट मिल सकती है। कवर्धा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 2 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को दोनों ही सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और अन्य पार्टी को यहाँ पर सूबड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के 90 में से अब तक 5 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है, यानी कि जनता की राय आपको दिखाई जा रही है। इस जनता की राय के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं कोरबा की। कोरबा में 4 विधानसभा सीट हैं। जी हां दोस्तों, कोरबा की सभी 4 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो यहां पर बीजेपी के हाथ में 3 और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आप और अन्य और छत्तीसगढ़ यानी कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को 0 सीट मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कोरिया की। कोरिया में 3 विधानसभा सीट हैं और यहाँ पर 3 में से 1 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस और 1 पर अन्य पार्टी यानी कि अन्य पार्टी को यहाँ पर जीत हासिल हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से अब तक 12 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, आप और अन्य पार्टी को आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। जसपुर की। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जिला जसपुर की बात करें तो जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है। 3 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जागीर चंपा की। 6 विधानसभा सीट है। जी हाँ दोस्तों, जागीर चंपा में 6 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 6 में से जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से अब तक 21 विधानसभा सीट का जनता की राय और जनता का सर्वे ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो 21 में से 13 विधानसभा सीट पर बढ़त बना रही है भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 2 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं दंतेवाड़ा की। दंतेवाड़ा में 1 विधानसभा सीट है और 1 ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है बीजेपी, आप और अन्य का सुपड़ा साफ। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं दुर्ग जिले की। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जिला दुर्ग।
दुर्ग में 6 विधानसभा सीट हैं और यहां पर 6 में से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 3 सीट, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है दुर्ग में, और आप और अन्य को यहां पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के 90 में से अब तक 28 विधानसभा सीट का ओपनिंग पुल आपको दिखाया जा रहा है। तो 28 में से यहाँ पर 16 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। आपके खाते में 0 और अन्य को 2 सीट मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अगले जिले यानी कि धमतरी की। धमतरी में 3 विधानसभा सीट है और यहाँ पर जनता की राय के अनुसार 3 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी का खाते में 1 सीट, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। बिलासपुर के, बिलासपुर में 7 विधानसभा सीट है और यहाँ पर सभी 7 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी को 3, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 38 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। 38 में से 22 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी भी यहां पर 14 विधानसभा सीटों पर लीड मार रही है, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अगले जिले यानी कि बस्तर के। बस्तर में 3 विधानसभा सीट है, यहाँ पर किसे कितनी सीट मिलेगी जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, आपकी खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। महासमुंद की, महासमुंद में 4 विधानसभा सीट है और यहाँ पर सभी 4 में से सभी 4 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ बीजेपी खाने में 2 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, आप और अन्य का सुपड़ा साफ। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 45 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 25 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 18 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो रही है, और आप और बीएसपी का यहाँ पर सूपड़ा साफ, और अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अगले जिले यानी कि राजनांदगांव की 6 विधानसभा सीट है। जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिए, राजनांदगांव की 6 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 6 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीट, आपके खाते में 0 और अन्य का 1 सीट पर खाता खुल सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अगले जिले यानी कि रायगढ़ की। जी हाँ दोस्तों रायगढ़ में 5 विधानसभा सीट है। जी हाँ दोस्तों रायगढ़ की 5 विधानसभा सीट का जनता की राय और जनता के मूड के अनुसार बनाया गया ये ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0-0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 56 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 56 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 31 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, और कांग्रेस पार्टी के खाते में 22 विधानसभा सीटें जा सकती है, और कांग्रेस पार्टी भी अपनी बढ़त बनाई हुई है और आपके खाते में यहाँ पर 0 सीट, यानी कि आपको अभी तक मौका मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है छत्तीसगढ़ में, और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अगले जिले यानी कि रायपुर की। जी हाँ दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, बात की जाए तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 7 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीट और आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0-0 सीट। सरगुजा की, दोस्तों सरगुजा में 3 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 3 में से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, 3 में से 1 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों सरगुजा में भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ की
90 में से 67 विधानसभा सीट का विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 36 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 27 सीटें, आपके खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी को 3 सीट मिल सकती है। बालौदा बाजार की बात करें तो बालौदा बाजार में 4 विधानसभा सीट है, सभी 4 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को 1, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट। बालोद की बात करें तो बालोद में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से सभी 3 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। मुंगेली की 2 विधानसभा सीट है, दोनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कब्जा जमा सकती है, आपके खाते में 0, बीजेपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। बेमतराय की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 3 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 90 में से 78 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 41 सीटों पर जीत हासिल हो रही है, 34 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 3 विधानसभा सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। सूरजपुर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से सभी 3 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। गरियाबंद की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से सभी 2 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 1 सीट। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 90 में से 83 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 44 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 36 सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सुकमा की 1 विधानसभा सीट है, 1 ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो सकता है, बीजेपी और आप और अन्य का सुपड़ा साफ। बलरामपुर की 2 विधानसभा सीट है, दोनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी और आप और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 86 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 44 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 39 सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कोडगांव की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी। नारायणपुर की 1 विधानसभा सीट है और 1 ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी को 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 88 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 45 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर बीजेपी यहाँ पर कब्जा जमा सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीट में से 46 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी यहाँ पर सरकार बना रही है, कांग्रेस पार्टी को 41 सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक किए चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।